नमस्कार, स्वागत है आप सभी का। मैं हूं हिमांशु और आप देख रहे हैं हलचल इंडिया। बेबाक खबर, तेज असर। आइए नजर डालते हैं आज की खबरों पर। मुजफ्फरनगर जनपद के नगर कोतवाली क्षेत्र के रोहाना गांव में बड़ी हर्षोल्लास के साथ भगवान बालाजी की शोभा यात्रा निकाली गई। शोभा यात्रा रोहाना मील राधिका पैलेस से शुरू की गई। इस शोभा यात्रा को पूरे बेगमपुर में घुमाया गया, जिसके बाद शोभा यात्रा में एक से बढ़कर एक झांकियां आकर्षण का केंद्र बनी रही। झांकियों में सबसे भव्य शिव पार्वती काली माता की झांकी आकर्षण का केंद्र बनी रही। इस झांकी को देखने के लिए भारी संख्या में लोग शोभा यात्रा में शामिल हुए, जहाँ शोभा यात्रा में शामिल कलाकारों ने एक से बढ़कर एक करतब दिखाए। इस शोभा यात्रा में ग्रामवासी व क्षेत्रवासी मौजूद रहे। वहीं पुलिस प्रशासन की टीम भी सुरक्षा की दृष्टि से तैनात नजर आई। इस शोभा यात्रा में बाबा का बुलडोजर भी दिखाई दिया। यह बालाजी शोभा यात्रा रोहाना में कई वर्षों से निकाली जाती है। शोभा यात्रा का समापन भूमिया खेड़े पर जाकर किया गया। ये रोहाना मिल राधिका पैलेस से शुरू होकर पूरे रोहाना मिल में, फिर उसके बाद रोहाना खुर्द, रोहाना कला में घूमता हुआ, उसके बाद बालाजी धाम श्री खेड़ा आश्रम पे जाके समापन होगा। वहाँ पर शाम को प्रसाद का वितरण रहता है और गुरुजी के द्वारा उसका समापन किया जाता है। इस बार ये काफ़ी लंबे समय से चली है, ये 15-13 साल हो गए इसको। 13 साल से इसका भव्य कार्यक्रम को पूरे गांव समाज क्षेत्रवासी मिलकर सभी के सहयोग से इसका भव्य का आयोजन किया जाता है। इसका पुलिस प्रशासन की पूरी भरपूर सुविधा मिल रही है। यहाँ पे हर तरीके से प्रशासन साथ है और इसमें पूरा भरपूर सहयोग भी कर रहा है प्रशासन। वक्त हो चला है आपसे विदा लेने का, कल फिर होंगे हाजिर कुछ नई और ताज़ा खबरों के साथ। तब तक के लिए दीजिए हमें इजाजत। नमस्कार। हमारे YouTube और Facebook चैनल को फॉलो और सब्सक्राइब करना ना भूलें।